it's me Nimra Khan and you are watching my YouTube channel. So today we are going to make कढ़ाई, कोयला कढ़ाई. तो हम आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं. आप हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा हम कैसे और क्या क्या बनाते हैं. बाय बाय. तो अब हम जा रहे हैं छत पे, और जो हमारी छत की स्टेयर्स हैं वो काफ़ी ख़तरनाक सी हैं. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सारा सामान हमने पहुँचा दिया था, जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी हमें बारबेक्यू में. और अब हम चलेंगे, कोयलों को दिखाएंगे. कोयले जल चुके हैं यहाँ पे, प्रॉपर जल जाएंगे. तो फिर हम अपना बारबेक्यू, पहले हम कढ़ाई बनाएंगे फिर बारबेक्यू. तो कढ़ाई बनाने में सबसे पहले हमें ऑयल डालना है. मैंने बॉयल हुए हुए पीले हुए टमाटर रखे थे 6 से 7 अदद, काट के वो डालने हैं. ऑयल गर्म हो जाए तो ये इसको अच्छी तरह 5 मिनट आपको पकाना है. इसको पकाने के बाद जो हमारा कढ़ाई का मसाला मैंने तैयार किया था, ये मैं रेसिपी दे दूँगी बाद में किसी और व्लॉग में. ये हम ऐड करेंगे 2 से ढाई चमचे इसमें फ़िलहाल. तो ये आप लोग टमाटर में इसलिए डाल रहे हैं कि टेस्ट डेवलप हो जाए कढ़ाई का. तो मैंने 2 से ढाई चमचे डाला है. इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह जब तक ये थोड़े से गल नहीं जाते. जब टमाटर गल जाएंगे तो हम इसमें ऐड करेंगे ये हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक. हाफ से ज़्यादा ऐड कर देंगे और बाकी हम ऊपर गार्निशिंग के लिए रहने देंगे. हरा धनिया, अदरक भी ऐड कर दिया मैंने. सबसे पहले हरी मिर्च ऐड की थी. हम इसको मिक्स कर लेंगे इस तरह. इससे जो कढ़ाई की खुशबू होगी ना वो बहुत अच्छी हो जाएगी. आप लोग सोच रहे होंगे मैंने चिकन क्यों नहीं डाली. चिकन जो है वो मैंने पहले स्टीम देके रख ली थी लहसुन अदरक के साथ, तो वो इसलिए कि ताकि थोड़ी सी कच्चापन ना रहे चिकन में, टेंडर हो. तो ये चिकन आप लोग देख सकते हैं 1 किलो चिकन है. 1 किलो चिकन मैंने पहले से स्टीम ले ली थी 10 मिनट ऐसा अदरक डाल के. तो इससे ये टेंडर हो जाएगी. अब कढ़ाई का जो हमारा बाकी का मसाला है वो हम डालेंगे और इसको ढक देंगे 15 से 20 मिनट के लिए और इसको पकने देंगे. और दूसरी तरफ हमने बारबेक्यू भी लगा लिया था. तो बारबेक्यू की प्रॉपर रेसिपी और प्रॉपर ब्लॉग मैं अलग आपके साथ शेयर करूँगी. बेसिकली जो आज का ब्लॉग है वो कोयला कढ़ाई का है, जो हमने कोयलों पे बनाई है. तो 20 मिनट गुजर चुके हैं और हमारी कढ़ाई तकरीबन रेडी होने की तरफ है. अब इसमें थोड़ा सा पानी है तो हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे. तो हम अब इसका पानी थोड़ा कम हुआ है तो हम इसमें दही भी डाल देते हैं ताकि दही का भी टेस्ट इसमें साथ आ जाए. दही डाल के इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह और फिर इसको 10 मिनट तक तकरीबन और पकाएंगे जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता. ये बारबेक्यू हमने जस्ट फॉर फन कर लिया था, वीकेंड था और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग भी है. अगर आप लोग ने सपोर्ट किया तो इंशाल्लाह और भी अच्छे अच्छे व्लॉग आते रहेंगे. और इस व्लॉग में जो भी कमी हो तो उसको थोड़ा सा मुझे बता दिएगा कमेंट्स में. तो हमारी कढ़ाई जो है वो अब तकरीबन रेडी हो चुकी है. 10 मिनट बाद ये हमारे तक्के भी रेडी हो चुके हैं. अच्छा, ये जो है ना मैंने पेपर में ऊपर लेकर आई थी मैं छत पे, काली मिर्चें और गरम मसाला पिसा हुआ, दोनों चीज़ें ऊपर से डालेंगे. उसके बाद हरा धनिया, पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक डालेंगे हम, जो मैंने रोक लिया था. तो कढ़ाई हमारी रेडी हो चुकी है और अब हम इसे सर्व करेंगे. कोयला कढ़ाई जो बनती है ना, इसकी खुशबू इतनी मज़ेदार होती है कि खाने का दिल चाह जाता है फ़ौरन से. अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें.